नॉमिनेशन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं आपको बताऊं, जो सबसे टफ कैटेगरी थी उसमें मेरा नाम था, पर मुझे वो मिला नहीं। तो एनी वेज, मैं आपको इस शाम के बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ खास लोगों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम की लूँगा, मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं कुमार सानू का, और ये सस्ता कुमार सानू जो गाना नहीं गा सकता वो आपके सामने खड़ा हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले, मैं शुभम अगर यहाँ है अभी मुझे देख रहे हैं, शुभम अगर आप प्लीज एक स्टेज पर आ सके, जोरदार तालियां शुभम के लिए प्लीज। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने व्यूज हमारे नेटवर्क की कई सारी न्यूज पे आते हैं, शुभम की वीडियो पे अकेले आ जाते हैं। शुभम के माइक आप प्लीज। शुभम अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल में वो रील्स शॉर्ट्स जब आते हैं, यूजुअली हम लोग टाइम जब हमारे पास होता है तो हम उनको देखते हैं। ये आपको नोएडा के साथ है और ग्रेटर नोएडा के साथ, तो दिक्कत क्या है? आप हमेशा नोएडा ग्रेटर नोएडा के अराउंड कंटेंट बनाते हो। दिक्कत नहीं, मुझे तो प्यार है, इसलिए मैं वहाँ के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ और मुझे लगता है वहाँ के लोकल लोगों की जो कॉमेडी है वो थोड़ी सी अभी अंडर एक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा उसको दिखाया नहीं है मेन स्ट्रीम पर किसी ने, तो मैं वो सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ और पसंद आते लोग मुझसे बार बार बनाता रहता हूँ। अच्छा, वो वाला जो लाइन है पर्टिकुलर कि नोएडा के सेक्टर के नाम और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर, आप में से कितने लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के, प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिएगा, स्पेशली जिन्होंने अभी पैनल किया था अमित के साथ में, आप लोगों को भी प्लीज़ हाथ खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी, आप लोग भी मेरी पूरी बात सुनेंगे। तो आप लोग प्लीज़ बताइए, आप ऐसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बारे में कितने लोग जानते हैं, ऊंचा हाथ खड़ा। सो ही हैज़ अ व्यू अबाउट द सेक्टर्स नेम, यहाँ पे अधिकांश लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा के बारे में जानते हैं। सर, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बारे में, अरे कुमार सानू जी आ गए, कुमार जी थैंक यू सो मच, प्लीज़ वेलकम, जोरदार कुमार जी।